जगह है जो एक पिकनिक के रूप में भी और कैंपिंग के रूप में भी आपके जानी जाती है। तो आप वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं और पिकनिक स्पॉट भी है, एक नदी एक झरना है वहाँ पर जहाँ पर आप बैठ के पिकनिक का मजा भी कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं वहाँ पर बैठकर। तो रास्ता भी बहुत ही अच्छा है, मैं आपको पूरा रास्ता दिखाने वाली हूँ, तो पूरा रास्ता आप देखिए और एंजॉय कीजिए साथ साथ रास्ते का। हम सहस्त्रधारा रोड से आए हैं, दो रोड आते हैं, एक आईटी पार्क वाला रोड, एक सहस्त्रधारा वाला रोड, आप गूगल मैप में लगा सकते हैं और दोनों ही रास्तों में से कोई भी रास्ता आप चूज कर सकते हैं। Thank you.
मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मालदेवता वाटरफॉल्स। अब आप मालदेवता आने के लिए जो देहरादून की ISBT है बस स्टैंड, वहाँ से 18 किलोमीटर का ये रास्ता है। आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं, ऑटो टैक्सी करके आ सकते हैं, यहाँ तक कि सिटी बसेस भी आती हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे आपका आना वसूल हो जाएगा। काफ़ी ही खूबसूरत है, सहस्त्र धारा में भी वाटरफॉल्स है, लेकिन ये मालदेवता का वाटरफॉल्स एक अलग ही आपको दृश्य दिखाता है और आपका मन जीत लेता है। पास ही में कैफ़े भी है, आप खा पी भी सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं यहाँ पर। लेकिन एक गुजारिश है, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कूड़ा कचरा इधर उधर ना फैलाएं, जो इसकी खूबसूरती है उसको बनाए रखें और एंजॉय करें। आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, पानी में थोड़ी देर ठंडे पानी का आनंद ले सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं और एंजॉय कीजिए मेरे साथ सारे सीन। Thank you.
Thank you.